हाँ हैंग की है, इसको हमें क्या उनके नीचे ये चार व्हीलों को लगा सकते हैं। ये ऐसे ही ये घिसने वाली नहीं है, तो आप इस तरीके से छोटे कपड़ों को। और कितने का बताया आपने? ये सारा सामान मैंने टांग रखा है इन्हीं के ऊपर। ये एक ऐसा बॉन्ड है जैसे पत्थर को भी चुपका देगा ये जी। इस चम्मच पे कोई चित्र बनाया हाँ। तो जब पानी के अंदर छोड़ेगा हाँ। तो वो चित्र ऊपर आ जाएगा, ये दोबारा सील कर देगा वाह, हमारा गह बह के नीचे आ जाएगा। ये सुब्रस आया हुआ है। अच्छा हे गाइस, तो एक और ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ मैं। भाई आप देख रहे होंगे कि कितनी स्वेटिंग है, बहुत बहुत गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी मैं निकल रही हूँ कि ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे जो आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं दिखा पाऊँ। तो भाई अगर आप मेरी मेहनत देख पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक्चुअली में मैं वो प्रोडक्ट दिखा पा रही हूँ जो आप लोग चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो आज का ब्लॉग ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है आई मस्ट से, क्योंकि आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये तो बहुत कम आइटम्स दिख रही है, ये बहुत बड़ी शॉप है और इनका मैंने पहले भी कवर किया था, लिंक मैं आपको दे दूंगी, ऊपर आप देख रहे होंगे तो आप उसको भी जाकर दे सकते हैं। भाई यहाँ पर जो आइटम्स है ना वो पानी 10 हो गए ना, ये तो 5 रुपए से शुरू होते हैं और मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 220 रुपए के, इससे ज्यादा या 370, मतलब भाई बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छे जो शॉपकीपर है, मैं आइटम्स देख चुकी हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो प्लीज ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं बताऊंगी कि प्राइजेस क्या क्या है। जैसा कि मैंने बताया 5 रुपए से यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना वो शुरू हो रहे हैं, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेकिन उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हम फिर से आ गए हैं भैया, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं बता दीजिए। आज हम आपको दिखाएंगे छोटे छोटे गैजेट। अच्छा ठीक है। जिनकी जो प्राइस है, जिनकी जो कीमत है वो आपकी 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, इस तरीके के गैजेट। जैसे कि ना ये देखिए देवेंद्र, ये रूमाल उठाओ, ये रूमाल है। क्या है ये? ये रूमाल है, रूमाल अपना हैंकी है, रूमाल मतलब हाँ, हैंकी है। इसको हमें क्या करना है, वाटर में डिप करना है, पानी में डिप करना है। अच्छा। पानी में डिप करने के बाद ये रूमाल का रूप ले लेगा। वाह ऐसा। ये इमरजेंसी में जैसे ना, ये इमरजेंसी में आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं रुक गए हैं हाँ जी, तो अब रात को आप कहाँ खरीदेंगे? राइट राइट ना, ये अपनी छोटी छोटी टैबलेट है, अपनी जेब में डाल के रखो, तुरंत इसे पानी में डालो और एक रूमाल का ये रूप ले लेती है और इसकी कीमत है 5 रुपीज। 5 रुपीज की? वाह। ये थंब है। अच्छा देखिए, ये थंब है और ये थंब इसकी कीमत है, इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज। और ये थंब का काम है, ये भगवान देव थंब का काम है, ये इस तरीके से यहाँ लग जाएगा। इसके बाद इसे लगने के बाद आप इसके अंदर ये ना यहाँ से टेप हटेगी और ये सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद आप इसमें चश्मा रख लो, इसके अंदर ब्रूसी से पकड़ा दो अपना, और जैसे वायर इधर उधर लटक भी होती है वो वायर इसके अंदर सेट हो जाती है। ये 10 रुपीज का है और इसकी जो पैकेट है वो पैकेट के अंदर ये 6 रुपीज का पड़ता है। अच्छा मतलब आप होल सेल अगर हम प्राइस हाँ, अगर आप इसमें 25 पीस होते हैं और ये 6 रुपीज का पड़ेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि होल सेल में भी हम यहाँ से ले सकते हैं? जी जी जी, होल सेल में ठीक है। ये 4 व्हील का सेट है, ये 4 व्हील है। अच्छा हाँ, ये 4 व्हील का सेट है। आप इनको, इन 4 व्हील को आप जैसे अपनी डाइनिंग टेबल है, अपना सोफा है, अपना बेड है, कोई भारी कुर्सी है, उनके नीचे ये 4 व्हीलों को लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, ये आप स्क्रू से भी कर सकते हैं और आप टेप से भी चिपका सकते हैं, तो ये किसी भी पाए के नीचे आ जाएगा, किसी भी पाए। अच्छा, और फिर इसको आराम से हम फिर चलाने वाला बन जाएगा व्हील पर, से उधर आराम से इजीली ले जा सकते हैं। और भैया ये कितने का रहेगा? ये रहेगा आपका 720 रुपए दर्जन, 60 रुपए का सेट है। 60 रुपए का सेट है, 720 रुपए दर्जन, 300 रुपए का। ये परमानेंट पेंसिल आई हुई है। परमानेंट पेंसिल से मतलब परमानेंट पेंसिल का मतलब है आप इसके इसे कितना भी यूज करेंगे हाँ। ये हमेशा ऐसी रहने वाली है, नहीं इसकी नोक नहीं घिसती, ये ऐसी आप इसे कितना भी लिखेंगे, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम देखते हैं भाई परमानेंट पेंसिल, परमानेंट मार्कर हमने सुना था हाँ, ये परमानेंट पेंसिल है। आप इसने आपने ये लिया, आप इसे ऐसे चलाते रहेंगे, इसे कितनी बार चलाएंगे आप, ये ऐसे ही ये घिसने वाली नहीं है। अच्छा। ये टूट सकती है, ये चोरी हो सकती है, लेकिन ये घिस नहीं सकती। अच्छा, ये घिसेगी नहीं। 100 100 100 भी। ये फिक्स रेट है। और ये ठीक है ना, ये ऐसे ही रहने वाली है। इसके अंदर इरेजर भी होता है इसी पेंसिल के अंदर, ये देखिए आप इसे ओपन कीजिए और ये आपका इरेजर है। ये इसको हाँ रिमूव कर देगा जो आपने लिखा है, ये देखिए आप देख रहे होंगे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी कीमत है ओनली ऑन 12 12 रुपीज़ 12 रुपीज़
वाओ। और अगर हम ये होलसेल में लेंगे तो ये कितने का पड़ेगा हमको? 9 रुपीज का। वाओ वाओ। परमानेंट से आपका मतलब है कि बस ये घिसेगा नहीं, है ना? हाँ, अच्छा ठीक है भाई। इसके मुझे तो है पेन भी मिल, पेंसिल मिल रही है और रबर भी इसी के साथ मिल रहा है। ये बहुत अच्छा एक हैंगर आया हुआ है छोटा सा, आपके छोटे कपड़े हैं। हाँ, तो आप इस तरीके से छोटे कपड़ों को, जैसे आपका समीज है कोई छोटा, हाँ, कपड़ा है बच्चे का, फ्रॉक है बिल्कुल, और आपका बड़ा कपड़ा है कोई कोट है, तो आप इस तरीके से इसे और ओपन कर लीजिए। आपकी शॉप ना मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगती है कि बिल्कुल पोर्टेबल सी छोटी सी चीज होती है, फिर वो बड़ा होते होते खुलते खुलते इतनी सही। वाह, इसकी कीमत है ओनली 20 रुपीज। 20 रुपीज आप इसे क्वांटिटी में लेंगे तो आपको पड़ेगा ये 15 रुपीज, और सस्ता हो जाएगा ये 15 रुपए का पड़ेगा। पहले ये मुझे लग रहा था कि हम जो सुपारी नहीं काटते थे ये उस तरह से लग रहा था। ये नाइट बल्ब है। अच्छा, आप कहीं से नाइट बल्ब लेने जाएंगे 30 50 40 रुपीज का कम से कम आता है। हाँ हाँ, ये ओनली ऑन 5 रुपीज का नाइट बल्ब। 5 रुपीज का नाइट बल्ब। भैया इसकी रोशनी कैसी रहेगी? इसकी रोशनी देखिए अब आप। हाँ जी, इसका एक छोटा सा गैजेट बड़े काम का है। जी हम जरा देखते हैं ये छोटे से गैजेट में क्या कमाल की चीजें हैं। ये जब अभी यहाँ पे इतनी रोशनी है, हाँ, और जब आप इसे रूम में देखेंगे तो ये इसकी ही रोशनी दिखाई देगी। ये बहुत कमाल करने वाला है। और कितने का बताया आपने? 5 रुपीज का। भाई ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको 5 रुपीज में कहीं नहीं मिल सकता। ये दावे के साथ है। यहाँ पर इतने सारे आइटम्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना? अब आपको नेक्स्ट एक और चीज दिखाता हूँ जी। ये वाशिंग टिक्की दिखाऊं, छोटी वाली वाशिंग। ये जो आप पैकेट देख रहे हैं, हाँ, ये जो है वॉशिंग टिक्की है, वॉशिंग मशीन होती है हमारी। हाँ, इसके एक मग्गे में ये घोल के डालना है। अच्छा, मग्गे में घोल के डालना है, वॉशिंग मशीन के अंदर डालना है। हाँ, और उसके बाद मशीन चला देनी, ठीक है, और सारी गंदगी को ये खींच के क्लीन बाहर कर देगा इस पैकेट की। ये ओनली 5 रुपीज का। ये भी 5 रुपीज का है। 5 रुपीज का अमेजिंग गैजेट है। इसको सिर्फ डालना है और ये सारा चीजें हमारी जो कपड़ों की गंदगी वो बाहर निकाल देगा। बताओ ये जो हुक है, हाँ, ये इसके जो डबल टेपिंग है, आप इसे हटाएंगे और आप इसे दीवार पे चिपका दीजिए और ये आपका 3 kg वजन आपको ले लेता है। और आपको इसको एक्सप्लेन देखना है, आपको ये देखिए मेरी पूरी दुकान के अंदर सारा सामान इसी के ऊपर टंगा हुआ है। ये देखिए आप नीचे देखिए इसे लगा के, ये देखिए, देख रहे हैं आप? बिल्कुल, सारा सामान मैंने टांग रखा है इन्हीं के ऊपर। ये लोड आराम से ले लेते हैं, 3 kg का लोड ले लेते हैं। देखिए आपको डिस्प्ले में दिखा भी दिया है भैया ने, सारा अपना जो सामान है वो इसी पे। 5 रुपीज भैया, 5 रुपए, ये बहुत बहुत अच्छा है। और इनके पास बहुत सारा सामान है, हम पूरा कवर करेंगे, लेकिन आज हम छोटी छोटी चीजें जो है ना वो कवर करना है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, है ना, मदर्स हैं, माताएं, बहनें जी, बच्चों के इयर्स को साफ करती हैं। हाँ, रात का टाइम है, हमें दिखाई नहीं देता। इसके अंदर टॉर्च भी लगी हुई है। अच्छा, इसके अंदर टॉर्च लगी हुई है और टॉर्च के साथ इसमें 3 मोर इंक्लूड ये दिए उन्होंने। ये पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ, अलग अलग, हाँ, हाँ, ये 3 पार्ट्स दिए हैं ईयर को साफ करने के लिए। पूरी किट है और इसकी कीमत है 15 रुपए। 15 रुपए, 15 रुपीज कीमत है और क्वांटिटी में इसकी कीमत है 10 रुपीज। वाओ भैया, आप होलसेल में लेना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है 10 रुपए और अगर आप सिर्फ रिटेल में लेना चाहेंगे तो 15 रुपए है। वाओ भैया, ये तो बहुत बहुत अच्छा है। एक ये बॉन्ड है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जैसे पत्थर को भी चुपका देगा ये। अच्छा, ये पत्थर को भी चुपका देगा। कितनी हैवी चीज हो, कोई प्लास्टिक है, कोई कांच है, कुछ भी, अगर आपने इसको घेर दिया एक बार, कोई वो फिर दोबारा टूट नहीं सकता जोड़ने के बाद। ओहो, और ये इसकी कीमत ओनली 30 रुपीज है। ओनली 30 रुपीज। ओनली 30 रुपीज। वाओ भैया, भैया क्या कह रहे हैं? भैया की बात, हम इसको बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। अगर आपको जरूरत है ना तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। कितना बड़ा बच्चा, ये कलर्स का पैकेट है। और इसकी खासियत ये है, जब बच्चा इससे पेंटिंग करेगा, मान लो किसी भी, ये चम्मच इसके साथ दिए, इस चम्मच पे कोई चित्र बनाया, हाँ, तो जब पानी के अंदर छोड़ेगा, हाँ हाँ, तो वो चित्र ऊपर आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, ये वो पेंटिंग ऊपर आ जाएगी। वाओ, मतलब इसके ऊपर हमें, हाँ, मतलब किसी भी चीज, तो चम्मच उन्होंने एक साथ में दी है, बाकी आप किसी भी प्लास्टिक की चीज पर कोई राइटिंग करते हैं, मतलब ड्रॉइंग करेंगे, हाँ ठीक है, पेंटिंग जैसे आप पानी में छोड़ेंगे तो पेंटिंग ऊपर आ जाएगी। और मतलब बट ये है स्पेसिफिकेशन की प्लास्टिक पे करना जी, जी, जी। अच्छा जी, जी, जी। और ये कितने का रहेगा? ये 30 रुपीज का है। वाओ, और मतलब ये एक ही प्राइस है इसका? हाँ, एक ही प्राइस, ठीक है। वाओ भैया, ये तो बहुत ही अच्छा है, टच फाइटिंग, ओके ठीक।
भाई ड्राइंग में अगर कोई इंटरेस्टेड है ना बच्चा तो बिल्कुल ले सकता है। एक ये देखिए, ये छोटी सी छोटा सा गैजेट है बड़े काम का। आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, चिप्स खाते हैं जी, उसके बाद उन्होंने फाड़ा। हाँ। बड़ा पैकेट होता है जी, वो सील जाता है, बेकार हो जाता है बिल्कुल। इसके अंदर क्या करना है, सेल डालना है और दोबारा पैकेट को दोबारा सील कर देना, ये दोबारा सील कर देगा। वाओ, 40 रुपीज ओनली, 40 रुपीज का है, क्वांटिटी का रेट है ये। हाँ जी, 600 पीस का गत्ता आता है, आप लूज भी ले सकते हैं, 50 रुपीज का पड़ता है। अच्छा, अगर लूज लेना चाहें तो 50 रुपीज का है। और ठीक है भैया, ठीक है, वाओ, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मुझे हमेशा इनकी शॉप पर लगते हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आइएगा जी। एक ब्रूस आया हुआ है, आपका कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को साफ करने के लिए इधर से, आपको बोतलें साफ करनी है तो इधर से, ये बोतल को, बोतल होता है ना स्टील, हाँ जी स्टील होती है, तो स्टील को ऐसे फंसा के पूरी उसकी कोर को साफ करता है। जैसे मेरे पास जो बोतल है उसका जो मुंह है जो वो साफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, कीबोर्ड हो गया, और जो अंदर अगर आपको, तो अंदर से भी साफ करने के लिए है ये बोतल के अंदर, छोटी बोतल है, बच्चों की दूध पीते है ना बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, वो दूध जम जाता है तो उस तरीके से साफ कर सकते हैं। ये भी 25 का है, 25 रुपीज का, 25। ये छोटे छोटे गैजेट है बहुत, ये देखिए, ये शॉप केस है, साबुनदानी है। हाँ हाँ। ये आपने यहाँ पर रख दी। हाँ। साबुन इसके ऊपर रखा जी, सारा पानी जो अगर गीला होता है ना, हमारा बह के नीचे आ जाएगा, तो गलेगा नहीं, गलेगा नहीं। वो सारा पानी बहकर नीचे आ जाएगा। और इसकी कीमत है 20 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपए में आपको मिल जाएगा जी। एक ये सूब्रस आया हुआ है। अच्छा, ये सूब्रस है। हाँ। इसके अंदर हमें यहाँ पर अपना जो सर्फ है, साबुन है। हाँ। वो यहाँ से इंक्लूड करना है, ऊपर से ढक्कन से बंद हो जाएगा जी, उसके बाद इसे प्रेस करना है, शूज के ऊपर गिरो, पैंट के ऊपर गिरो, किसी भी मल्टीपर्पज है, कहीं पे भी गिरो और रगड़ दो, रगड़ दो, क्लीन कर दो। 30 रुपीज का है। अच्छा, और ये हम होलसेल, मतलब अगर हम बल्क में लेना चाहे तो हम आपके पास से ले सकते हैं। हाँ, है ना, मिलो आप। हाँ। 200 पीस का गत्ता है, जितना मर्जी ले सकते हो। ठीक है भैया, ठीक, अपने पास भरपूर वैरायटी है। हाँ, और भरपूर क्वांटिटी भी है जी जी जी। ये फिंगर आए हुए हैं, ये फेस मसाजर हैं, आजकल ये ट्रेंड में बहुत चल रहे हैं। हाँ। जो बहनें पार्लर वगैरह जाती हैं वहाँ पर बड़ा क्रेज है इसका। अच्छा, बहुत, नहीं कॉस्टली पड़ता है ये। अच्छा, वहाँ फेशियल करना इससे। हाँ, 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 आप इसे घर पे ले जाइए। हाँ। इस पे क्रीम लगानी है जी, और ये पूरे जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं उसके ऊपर इसे आप लेंगे तो ग्लोइंग के लिए होते हैं ये। और ये, हाँ, ये 30 रुपीज का सेट है, और ये सिलिकॉन है। हाँ, ये नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, सिलिकॉन है ये। वाओ, ये तो बहुत सही है। और ये कितने का पड़ेगा? ये 30 रुपीज है, ये क्वांटिटी का रेट है। अच्छा, ये 30 रुपीज क्वांटिटी का रेट है, और अगर हम सिर्फ सिंगल सिंगल जैसे आपने वो लेंगे तो फिर कितने का पड़ेगा? तो ये 35 का, 35 का। ठीक है भैया, ठीक है जी जी। ये वो पाउडर है, जैसे आपके बर्तन है, कुकर है, कढ़ाई है, बहुत काले हो जाते हैं जी, तो इस पाउडर को लेकर, इस पाउडर को लेकर गीला करकर और आपकी कढ़ाई पर लगा देना, 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के लिए छोड़ो, उसके बाद जब आप उसे साफ करेंगे सारा जो ब्लैकपन है, जो भी कालापन है। हाँ हाँ। सब क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। वाह, तो क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? ये चाइनीज प्रोडक्ट है, और इसे कहते हैं क्लीनर ब्यूटी, क्लीनर ब्यूटी के नाम से इसे बोलते हैं। ओके। और ये इस पे लिखा भी हुआ, ये आपको गाड़ी, ये बर्तन साफ करने हैं। हाँ जी। गाड़ी के पहिये हैं जो बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं जी, जी, वो साफ करने हैं, हर चीज में मल्टीपर्पज के। हाँ, और कितने का है भैया ये सबसे बड़ा क्वेश्चन? ये 80 रुपीज का, 80 रुपीज का है। ठीक है, ठीक। और ये रहा शॉप का फोन नंबर और एड्रेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा व्लॉग, पसंद आया है ना भाई? मुझे भी बहुत पसंद आया आप लोगों के लिए शूट करते हुए। पसंद आया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिख कर ज़रूर बताइएगा, और अगर आप आते हैं, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो कल एक और व्लॉग के साथ होंगे हाजिर, क्योंकि अभी जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है व्लॉग, हम कल एक और इसी शॉप का लेकर आएंगे, व्लॉग जारी रखेंगे, तो कल भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, नमस्कार।